तुम्हें बहुत मुबारक हो अल्लाह। चलिए ये पैसे सभी का ये जो है काउंट कर रही है। जो है मैं कोशिश करूंगी पूरी ईद की मार्केट जो है आपको सही से दिखाने की कि हमारी तरफ महंगी जो है यूसरा के हाथों में लग चुकी है। और देख लीजिए भाई बहुत जबरदस्त किस्म की अभी तक जो है चांद नजर आने की खबरें आ चुकी है, शोर मच चुका है। हमारे अपार्टमेंट के नीचे जो है फायरिंग शायरिंग भी हो चुकी है और मैंने आपको बाहर का व्यू भी अभी दिखा देती हूँ। यहाँ से तो मुझे तो अभी तक नहीं नजर आ रहा है लेकिन मैंने क्लिप ली है, मैं आपको दिखा दूंगी। फिर जैसे जैसे चांद उतर आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी और आज चांद रात में जो है क्या क्या हम लोग करते हैं वो सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर भी करती जाऊंगी। चलिए फिर वीडियो करते स्टार्ट। नहीं किया वीडियो को लाइक जल्दी से कर लीजिए लाइक। नजर आ चुका है, खबर आ गई है लेकिन यहाँ पे आसमान जो है बिल्कुल क्लियर है। इस वक्त जो है सूरज हल्का हल्का दिख रहा है लेकिन नीचे जो है अंधेरा हो चुका है। और खबर आ गई है चांद नजर आ गया है लेकिन कराची में इस वक्त देखें इस तरह का कुछ वेदर जो है यहाँ पे हुआ हुआ है तो अभी हमें तो नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो चले फिर तैयारी करते हैं कल ईद की। यहाँ पे भाई आ गए हैं हम लोग सभी का कमेटी के पास। सभी का कमेटी, चलो लाइटें दिखाओ जो तुमने लाइट्स लगाई हैं किचन में। अच्छा जी भाई देखेंगे, गर्ल्स का घर है तो हर एक का अपना अपना शौक होता है। जाहिर सी बात है लड़कियों का शौक अलग होता है तो लड़कियां जो हैं वो अपने घर को अपने मुताबिक जो है डेकोरेट करती हैं। मुझे और सभीका को लाइट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक है तो हमने जो है लाइट्स जो है अपने घर में इस तरह से हम लोग लगाते रहते हैं। ये देखें अच्छी लग रही है, बताइएगा कमेंट में। और आज अभी तक चांद निकलने की जो है खबर, क्या बोलते हैं उसको, कंफर्मेशन नहीं आई है तो सभी का मुझे क्या खिला रही है। ये दुआ कर रही है आज नहीं हो, एक दो दो और फिर जाए आज नहीं हो। मैंने कहा टमाटर आलू की भुजिया बनाऊंगी क्योंकि आज हो गया तो तीन दिन तक ये मुरब्बो सनम से आगे नहीं जाने वाली, वो पीछे नहीं आने वाली, तो वो भी ये छोड़ेगी नान तो अभी इसको सब्जी आलू टमाटर सभी की सिग्नेचर डिश है आलू टमाटर। और भाई यार इतने काम होते दिन ज्यादा, एक दिन और मिल जाए, एक दिन और मिल जाए तो अब नहीं अच्छा लग रहा है। मेरा आलू टमाटर तो दिखाओ कितना प्यारा है। हाँ दिखाते हैं, चले दिखाते हैं। तो देखने भाई सभीका का आलू टमाटर की भुजिया बन रही है, इसके साथ दाल बनी है, चावल आज हम लोग ये खाएंगे। चले जी आप सबको जो है मुबारक हो, ईद का चांद जो है नजर आ चुका है। मम्मा चांद मुबारकबाद नहीं ना, चले 1 2 3 चांद मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक हो। आप सबको वो सारी खुशियाँ मिले जो आप चाहते हैं। आमीन सुम्मा आमीन, तुम सबको भी खुशियाँ नसीब करे। आमीन सबको आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग अपने माँ बाप के साथ और मतलब सबके साथ बहुत खुशी 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 ईद बनाओ, हजारों साल बनाओ। आमीन मेहंदी लगाएंगे हम। और अभी जो है मैं और सभी का जल्दी से नीचे जाते हैं, नीचे से होकर आते हैं और फिर आज चांद रात को क्या क्या एक्टिविटी रहती है वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। एक प्यारी सी गुड़िया भी अभी थोड़ी देर में आने वाली है, उससे भी आपको मिलवाती हूँ। चलो अभी चलते हैं। जो है मैं कोशिश करूँगी पूरी ईद की मार्केट जो है आपको सही से दिखाने की कि हमारी तरफ ईद की क्या रौनक है। और रौनकें देखें भाई कितनी ज़बरदस्त किस्म का ऐसा रश लगा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है। चले फिर चलते हैं। और अभी जो है सबसे पहले टेंट के अंदर जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। ये देखिए मेरे लिए सब रोड क्रॉस करना कितना बड़ा मसला बना हुआ है। और ये रही सभी का, इसको भी जो रोड क्रॉस करवाया है। चलें देखते हैं टेंट के अंदर हम लोग जा रहे हैं और क्या क्या है। चलें अच्छा मैं यहाँ पे ज़रा कैमरा बंद करके फिर ऑन करती हूँ उनसे परमिशन लेके। थैंक यू। चलें जी मैंने मेहंदी जो आपको अंदर दिखा दी और ये 300 की जो है वो लग रही है। और अब क्या करना है, ATM जाना है। चले देख लीजिए ATM के बाहर भी यहाँ ईद का चांद नज़र आ रहा है। क्या करें अब, सभी ने तो सर पकड़ लिया, क्या करोगी, लंबी लाइन है। जब नया नया ATM सीखा था ना बड़ा मज़ा आता था, अब ना फारी होती है। बताएं चांद रात है, चांद नज़र आ गया और हम पहले जो ATM की लाइन में खड़े हुए। जो है लंबी सी लाइन के बाद हम लोग जो है आ गए हैं और अभी जो एंटर करते हैं। चलिए ये पैसे सभी का ये जो है काउंट कर रही है। यहाँ
यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी हम लोग प्याज ले रहे हैं, बिरयानी के लिए प्याज कम है, टमाटर ले रहे हैं, सब सामान लेते हैं। जो है सब्जी हमने यहाँ पे ले ली है और इसको जो है उठाते हैं और चलते हैं। हमने जो है कोल्ड ड्रिंक ले ली और मम्मा ने दूध और मंगवाया, सेवन अपनी मिली के लिए, और ये ऑयल का दो पाउच चाहिए लेते हैं। हमारा सामान पैक हो रहा है। सभी का कैसा लग रहा है दूध? सभी का कोई मेहंदी की टेंशन हो रही है ना, मुझे मेहंदी कब लगेगी, मुझे मेहंदी कब लगेगी। चले जी लेते हैं। चले जी हम लोग घर आ चुके हैं। देखिए चेहरे की जो है क्या हालत हो रही है, और वो प्यारी सी गुड़िया जिससे मुझे आपको मिलवाना था वो भी आ चुकी है। चले मैं अबाया वगैरह चेंज करती हूँ, फिर आपको उससे ही मिलवाती हूँ और सब जो होता है दिखाते हैं। मेहंदी लगाने का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मेहंदी सीधी लग जाए, टेढ़ी ना लगे। और ये रही वो प्यारी सी चुन चुन गुड़िया जो कि मेरी मतलब बहुत पुरानी है, दोस्त है भाई, बच्चे अच्छे तो सारे मेरे दोस्त थे, मैं तो भाई बच्चे। हाँ ये सब इसके हम उम्र हैं। हम उम्र, हाँ हम उम्र हैं, दोस्त हैं। निजा तुम किस क्लास में हो? ये एट क्लास में। और तुम, मैं तुम्हें कब से जानती हूँ, तुम किस क्लास में थी? फोर्थ क्लास से मैं युसरा को जानती हूँ, और आज मैं फाइनली युसरा आई है। और बताओ ये नींद के साथ जो है मुझे आपको मिलवाना था, और ये बहुत ही प्यारी चिंचन गुड़िया है युसरा। इन्होंने जो इंस्टाग्राम पे हम मिले ना युसरा इतने दिनों के बाद, चलो बहुत खुशी हो रही है युसरा को देख के। और काफ़ी बच्चे जो बहुत बच्चे इतनी जल्दी चेंज होते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। वो तो बच्चे तो नहीं, हम लोग तो दोस्त हैं, हम हमारे साथ। हाँ बल्कि युसरा ही तुमसे दो तीन साल बड़ी होगी ना? है ना युसरा, दिमागी तौर पर युसरा मुझसे बड़ी होगी, मैं छोटी हूँ। हाँ जानी की एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है देखो, और हम यहाँ पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। ये देखिए एक हाथ में मेहंदी लगे, आपको देखिए बहुत तजस्स हो रहा है, ये हसीन परी कौन है? आई एम सॉरी हम इसको नहीं दिखा सकते, इसलिए आप जो है झरोके से देखिए। मेहंदी जो है युसरा के हाथों में लग चुकी है, और देख लीजिए भाई युसरा की खूबसूरती के अंदाजा आप इसके हाथों से लगा लीजिए। और मेहंदी कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में। ओके मैं पास से भी दिखा देती हूँ। सही चले जी, बच्ची जो है वो जा चुकी है मेहंदी वगैरह लगवा के। अभी जो है हम लोग खाना वगैरह खाते हैं जो कि सबिका ने बनाया, और फिर जो है अपना काम जो है वो करते हैं, सबिका को मेहंदी लगाना है जो भी है वो करते हैं। फिर अभी जो है मैंने शावर वगैरह भी ले लिया है, और बालों में जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से मैंने अच्छी अच्छी से शैम्पू किया है खूब सारा, क्योंकि कल जो है हम ज़रा दशन मारेंगे ना, मतलब कि थोड़ा स्टाइल मार मार के ईद के कपड़ों में जो है पिक्चर्स वगैरह लेंगे, तो इसलिए जो है मेरे बालों में अच्छी तरीके से शैम्पू कर लिया। मैं बालों को जो है मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया है, तो मैं इसको जो है सही से बांधती हूँ। अभी थोड़े थोड़े से मेरे बाल गीले हो रहे हैं, तो पता है आपको मेरे बाल जो है थोड़ा टाइम लेते हैं सूखने में, ये सुबह तक ही सूखेंगे। तो इनको जो है मैं अच्छे से बांध के, और अब मैं किचन में आती हूँ और मैं बनाती हूँ मीठा जो कि कल हम ईद में इंजॉय करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने खीर बना ली है, और शिरकुरमा जो है वो तो हम सुबह ही बनाते हैं, और अरमान रखा जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मुझे जो है ठंडी चीज़ों से और कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ईद में तो फिर कोल्ड ड्रिंक तो बनना पीता ही है। और यहाँ पे देखिए खीर जो है वो शुक्रिया अरमान से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप वीडियो देख रहे हैं, आप कॉमेंट देख करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया है। ये देखो भाई खीर जो है इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से, करीब से आपको दिखाना चाहिए, ये देख लें। अब मैं इसको जो है बाउल में जो है निकालती हूँ, और आप लोग बताइएगा हमारे किचन का लुक कैसा लग रहा है। अच्छा जी अरमान हसन नाम है, ब्लू रिबन का जो है चॉकलेट पेस्ट्री खाई, और ब्लू रिबन की जो है मैंने पाइनएप्पल केक खाया है, इट वॉज यम्मी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी वैराइटीज़ होती हैं। इसी के साथ ही मुझे यहाँ पे कहना था रुबीना इम्तियाज, थैंक यू सो मच, आमीन सुम्मा आमीन, इतनी अच्छी आपने हमारे लिए बात बोली कि आप हम बहनों को जो है कामयाब देखना चाहते हैं, और हम बहनों के बीच जो है मोहब्बत जो है कायम भाई रहे, आमीन सुम्मा आमीन, और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मोबाइल देख के आपको जो है आप बहुत खुश हुई, बहुत बहुत शुक्रिया रुबीना इम्तियाज। इसी के साथ ही महारे शामिर आप लव यू मेरी जान, मेरी प्यारी आपी। और यहाँ पे जो है खीर बन चुकी है, और खीर को जो है मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ, और अभी जो है बस मैं रात में खीर बनाऊँगी। और मैंने कहा कि शुरुआत जो मैं सुबह बनाऊँगी, देविया सरोज भाई चांद को नज़र आ गया, मैं चाह रही थी चांद आज नज़र लाए, चांद कर नजर आए ताकि मुझे एक दिन और थोड़ा मिल जाए, लेकिन क्या करें, चलो खैर खुशी तो हर हाल में। और अभी बस ये करने के बाद मैं चली अपनी जानू को जो है मेहंदी लगाने, सभी का मेहंदी लगाने की, तो मेरा वेट कर रही है ना। हाँ देखो मेरे हाथ सुने भी अपने बाल वगैरह जो है सेट कर लिए हैं, नेल कलर अपने हाथों में लगा लिया है, और आप सोचोगे दो प्याला किस ले रहे, दो प्याला जो है एक मेरे टोलू के लिए है, एक मेरे बोलू के लिए, मतलब एक टोलू तो मेरा सभी का है, और बोलू एक और हमारा एक्स्ट्रा बंदर, ये दोनों भी रात में टेस्ट करके बताएंगे मुझे कैसे। तो चले जी खीर की जो है लुक दिखा दो इनको। चांदी के वक्त मैंने ज़्यादा नहीं लगाए, क्योंकि चांदी के वक्त मम्मा को नहीं पसंद है, वो कहती है हलक में जाके चिपक जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़े से लगाए। यहाँ पे जो है सबिया की मेहंदी जो है स्टार्ट हो गई, अभी एक हाथ में जो है ऑलमोस्ट जो है वो लग चुकी है, और हमने सोचा चले कि आपको जल्दी जल्दी से दिखा देते हैं। बहुत कैसी लग रही है सबिया, कैसी लग रही है बताओ? बहुत प्यारी लग रही है। चले जी इसको जल्दी जल्दी लाते हैं। सभी के हाथ में मेहंदी लगाने में भी ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। टाइम चेक करें हमेशा की तरह, मेहंदी
तो एंड में फिर होता है ना बचने। यहाँ पे जो है सबिका के दोनों हाथों में जो है मेहंदी लग चुकी है। अब नीचे रख के तरह दिखा दो दोनों हाथों की मेहंदी सही से। चले जी यहाँ पे हम इसकी पिक्चर्स भी जो है वो क्लिक कर लेते हैं। और अभी जो है सबिका इसको थोड़ा सा सुखाएगी, उसके बाद सोचे सोचे टाइम लगेगा ना सबिका। हाँ, सुखा चले जी सबिका के हाथों में मेहंदी लग गई है यहाँ पर। चले इसी के साथ ही जो है वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मेहंदी लग गई सबिका को, खीर बन गई और अब जो है हम लोग थोड़ी देर आराम करेंगे। और इसी के साथ ही जो है आपको एक बार फिर चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो, ईद मुबारक कल बोलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हुमा जफर, थैंक यू सो मच। आपको ही चांद रात जो है बहुत ज़्यादा मुबारक हो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पर कर लें फॉलो। अल्लाह हाफिज़।